सो फाइनली आज हमारा 24 अगस्त हो चुका है और 26 अगस्त से जे मेंस का एग्जाम स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो 26 ऑफ अगस्त को 26 अगस्त को जो है हमारा वो बीआर का एग्जाम है और 27 अगस्त से जो है वो बीटेक का जे मेंस का फोर्थ अटेम्प्ट का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है जो कि हम लाएँ ताकि हमारा जो है वो कम से कम कट ऑफ क्लियर हो जाए और एक ऐसा परसेंटेज लाए, एक ऐसा स्कोर आए जिसके वजह से हमें जो है कुछ एनआईटीज आईआईटीज तो नहीं लेकिन कम से कम एनआईटीज जीएफटी या ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाए। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तिरुपति अकेडमी। तिरुपति अकेडमी आप सभी का स्वागत है। सो सबसे पहले स्कोर जानने से पहले, सेफ स्कोर जानने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि जेई मेन्स का कट ऑफ क्या हो सकता है और ये हम बात करेंगे पिछले ईयर के बेसिस पे। तो सबसे पहले जो है वो पिछले ईयर का जो है वो जेई मेन्स का जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी के लिए 88 पॉइंट समथिंग था, यानी कि 89 मान के चल सकते हो। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 74 था, ओबीसी के लिए 78 था और एससी एसटी के लिए जो है वो 60 के अप्रॉक्स था। ठीक है, सो इस बार का जेई मेन्स का कट ऑफ क्या होगा? तो अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए जो होगा हमारा वो 90 के अप्रॉक्स होगा। अगर 90% आता है तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करेंगे तो 75 के अराउंड होगा, ओबीसी के लिए 78 के अराउंड होगा और एससी एसटी के लिए 60 के अराउंड ही होगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें तो तुम्हें समझ में आ गया। तो यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो तो कम से कम तुम्हें 90% तो लाना ही पड़ेगा जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो यार कि तुम्हें एक डिसेंट कॉलेज मिल जाए तो मिनिमम से मिनिमम जो है वो तुम्हें 95% तो लाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यार कि 95% के लिए तो तुम्हें कितने मार्क्स लाना पड़ेगा, तो लगभग लगभग तुम्हें जो है 150 से लेकर 160 मार्क्स के आसपास तुम्हें लाना पड़ेगा। तो तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए कि जेई मेंस का जब तुम फोर्थ अटेम्प्ट का एग्जाम दे रहे होगे तो मिनिमम से मिनिमम जो है तुम्हें 150 मार्क्स लाना है। ठीक है, और लास्ट में तुम्हें ये कहना चाहूँगा, देखो आज 24 अगस्त हो चुका है, 2-3 दिन और बचा हुआ है, एकदम जी जान लगा दो। ठीक है, अब नए कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिविजन करो जितना ज़्यादा कर सकते हो और पी वाई क्यू लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और हमेशा होप फॉर द बेस्ट, यार हमेशा ही अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। बाद में जब तुम पता चलेगा तो यार पता चलेगा यार जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, बाकी अपना बेस्ट तो हमारे हाथों में, बस यही है कि हम अपना एफर्ट कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट क्या होगा नो वन नो। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी तुम्हारे कमेंट का रिस्पॉन्स कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि तुम्हारे फ्रेंड के भी डाउट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत। एंड लास्ट में यार ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, फोर के आओगे मुझे विश्वास है तुम सभी पर। सी या।